हिंदुस्तान की वही मशहूर गायिका सुपरस्टार रागिनी कलाकार मैडम राजबाला बहादुरगढ़ हमारे बीच में पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली से सम्मान हो जाए, मैं जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। यहां पहुंचने पर इस पावन धरा धारू हेडा और बाबा मोहनराम की इस पावन धरती को हम बार बार प्रणाम करते हैं और उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर ये रागिनी आपके बीच में संध्या चौधरी जी के माध्यम से चल रही थी, अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो तो बस तालियों से सम्मान बढ़ा दें, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। आइए संध्या चौधरी जी, जिगड़ तो बनाना चाहिए। पहली बात के द्वारा कहा कि भाई भाई भले ही प्यारा हो जाए लेकिन सारे गांव की इज्जत अपने घर की इज्जत एक ही होया करती है। क्या लिखा पहली बात जाए। इन बातों को जानते तो सब है पर आज के जमाने में मानता कोई नहीं है। सुनेगा तीसरी बात की तरह करनी ना चाहिए। माँ जाए लोग माँ जाए भाइयों के दिल में कदे कतरनी ना चाहिए। Oh,
जी हमारे बाबूजी यूनियन प्रधान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आदरणीय बाबूजी श्री भगवान जी जो बहुत बड़े दानवीर के रूप में जाने जाते हैं, यूनियन प्रधान हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। मीटिंग से सलाह सम्मति करने के बाद में आज के इस प्रोग्राम में और इस पावन प्रांगण में मंदिर के इस पावन धाम को वो दान देने का काम करेंगे। साथियों हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, हम यहाँ पहुंचने पर प्रधान जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय जयपाल जी, हमारे परम आदरणीय जयपाल जी, उनकी तरफ से 100 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के हमें दिए गए हैं। आदरणीय जयपाल जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए संध्या चाहिए, और अपने ते ठाड़े मानस पे कदे हुकम चलाना ना चाहिए, और गलत बोल के मां पिता का कदे जिगर दुखाना ना चाहिए। तीसरी बात की तरह बड़ा अच्छा और सच्चा उदाहरण दिया है कि आदमी को वैसा काम करना चाहिए जिसमें उसके परिवार की इज्जत बनी रहे, उसकी इज्जत बनी रहे। ऐसा काम करना चाहिए जो सामाजिकता का काम हो, लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं। फौजी साहब जी, परम आदरणीय बिल्लू फौजी साहब, उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दिए गए हैं। आदरणीय बिल्लू फौजी जी का भी बार बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, सभी का बार बार धन्यवाद। तोड़ क्या है रानी का, और क्यों लिख दिया कि आदमी को काम
कैसा करना चाहिए, कुछ लोग कैसा काम करते हैं पर वो नहीं करना चाहिए। ये टोटे नफे कंगाली तो आनी जानी है, कभी समय अच्छा है तो कभी समय बुरा है। अगर आज हमारा समय बुरा है तो जरूरी नहीं है कि सारा ही जीवन समय बुरा होगा, अच्छा समय भी आएगा। मेहनत करने वाले इंसान चाहिए, क्या लिखना चाहिए। सात तो लाइन समझ में आई है,
अच्छा, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाए हैं। वैसे मैं मलयालम में नहीं गा रहा हूं, हिंदी के मैंने बिल्कुल सादा सादा सीधे सीधे शब्द गाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने तो सुन करके इस कान से सुनी और इससे बात को बाहर निकाल दिया बाबूजी ईश्वर जी, और किसी ने बात को सुनकर के अपने दिल और दिमाग के अंदर रख लिया। आवाज तो सबके कानों में पहुंची है, लेकिन कोई और जो हमारे भाई हैं जिन्होंने ध्यान से सुन लिया, उन्होंने अपने जहन के अंदर रखा है बात को, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनको मैं बता रहा हूं फिर से। क्या पंख बिना क्यों उड़ा हवा में तेरे नखरे नाच धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। माया चोरी तो छाती चोरी करे तेरे गलियारों में, कोठी और सोठी की चर्चा बैठ करे तू यारों में। मेरी 5 बीघे में कोठी है और मेरे साथ में 150 लाठी है। अब इस क्षेत्र में मेरे मुकाबला करने वाला कोई आदमी नहीं है, लेकिन बता दिया। कहता है अहंकार में आकर के, कोठी और सोठी की चर्चा बैठ करे तू यारों में, मांस और रोमांस में नियत उड़ता धुआं सिगारों में, दारू और जोरू में फंसके कर ले बैठ गवारों में। तुझे तड़क भड़क दे पटक सड़क पे तेरे खरे मिजाज धरे रह जा, महल हवेली राजा शाही तख्त और ताज धरे रह जा। भाई अब तो 7 लाइन समझ में आ गई, तो जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाने चाहिए साथी। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो रामचंद्र जी को मानते हो, वो एक बार हाथ उठा करके बता दे कौन कौन मानते हो। सभी लोग मानते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, मानना भी चाहिए, लेकिन मानने के साथ साथ उनको मानते तो हैं, लेकिन उनके बताए गए जो रास्ते हैं उन रास्तों से हम भटक जाते हैं, उन रास्तों को छोड़ देते हैं। साथियों किस तरह अगली कली में क्या कहा है, प्लॉट बिछवाना है, कल उसका प्लॉट बिछवाना है। डीलर जो होते हैं 2014 के बाद में जो बिल्कुल एक नंबर से काम कर रहे थे, वो डीलर तो चल रहे हैं, उनका तो काम चल रहा है, लेकिन जो ज्यादा 2 नंबरी डीलर थे
वो अब घर बैठ गए हैं। हाँ, उन पर कभी ईडी की जांच बैठ रही है, कभी उनके साथ पीढ़ी की जांच बैठ रही है, उनके बिल्कुल जांच को क्लियर किया जा रहा है। और कुछ डीलर जो गांव में ऐसे भी होते हैं कि मैं तेरी भैंस बिकवा दूंगा लेकिन 500 रुपया शाम को मुझे चाहिए बोतल को। भैंस में चार खूबी बता देगा, बेशक से एक थन खराब हो उसका, लेकिन खूबी बता देगा कि बहुत अच्छी भैंस है, दूध बहुत है इसके नीचे, और तरह तरह की बात बता देगा। शाम को 500 रुपए मिल जाएंगे, अपना दो घूट लगाए और बस फिर ठीक है। तो जो डीलर है उन डीलरों को नसीहत किया। वैसे यहां भी कोई डीलर बैठा हो तो हाथ उठा दो एक बार, क्योंकि अब थोड़ा सा बता दिया गया है तो अब जो असली डीलर होंगे वो भी हाथ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उनको नसीहत की है। कैसे की है, नंबर 3 में सुनिए। चलिए, किसको ठगने चला यार तू, खुद माया ने ठगया हुआ, खुद माया ने ठगया हुआ। तेरा ध्यान कहीं और गात कहीं। आज मेरे नौजवान भाइयों का ध्यान तो यही है, गात तो यही है, लेकिन ध्यान मैडम राजबाला बहादुरगढ़ और संध्या चौधरी पर है कि ये कब खड़ी हो, इनकी प्रस्तुति हो रही है, कब बैठे। तो हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है सुनने और देखने का। आधे लोगों का गात यही है पर ध्यान कहीं और है। कैसे बताया, क्या कहा भला, तेरा ध्यान कहीं और गात कहीं। जी हमारे भाऊजी ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने आज यहां बुलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं भाई, और 500 रुपए उन्होंने पहले भी दिए हैं। हम धन्यवाद करते हैं बाबा मोहन राम का और बाबा प्रेमदास महाराज का कि जिस भी भंडारे से धन आया है उस भंडारे में कभी कमी ना हो, हमेशा उस भंडारे को भर करके रखें। चलिए, किसको ठगने, किसको ठगने चला यार तू, खुद माया ने ठगा हुआ, खुद माया ने ठगा हुआ। तेरा गात कहीं और ध्यान कहीं, तू फिर भी कहवे में जगया हुआ। किसको माया जोड़ रहा पता, कौन किसी का सगया हुआ, कौन किसी का सगया हुआ। उसको भी इस ढंग से बनाना शुरू करेगा। अब तो यहां भी बाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद है, 4-5 मंजिल ऊपर और 3-4 मंजिल नीचे, जिसको बेसमेंट बोलते हैं। जब आफत पड़ेगी तो तू इस बेसमेंट में घुस जाइयो और ऊपर से धरती पर से सारी दुनिया गारत हो जाएगी। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि जिस टाइम वो काल रूपी बुलावा आएगा
तो कहीं भी छिप लेना, तुझको छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अंतिम और लास्ट कली में साथियों क्या 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 बताते हैं, सारी चमक दमक रह जा, घने घोर अंधेरा छावेगा, घने घोर अंधेरा छावेगा। अरे यारो रिश्तेदार नार, यारो रिश्तेदार नार, न बेटा तुझे बचावेगा, तेरी दो हड्डी अरे दो हड्डी तेरी मिले राख में उन्हें गंगा बीच बहावेगा, गंगा बीच बहावेगा। मन के चाहे अर दिन नाचे तेरा सारथी सल बन जा, तेरा सारथी सल बन जा। तेरी लाग में कूदूंगा दुर्योधन जान माल से दुर्योधन जान माल से। अरे एक तो क्या दस बीस लाख वीरों के ना डरू भाल से मैं, तू तीन दिनों की क्या कह रहा, छह दिन तक लड़ू भाल से मैं। जग में जीत तेरी कर दूं, वो जग में
खुश होकर के हमारे परमादरणीय बाबा सतबीर जी, जी हाँ हमारे परमादरणीय बाबा सतबीर जी चक्की वाले उनकी तरफ से भी 101 रुपए से हम दोनों कलाकारों के लिए सम्मान दिया है। बाबा का बार बार धन्यवाद। और मयंक, मयंक वो छोटा बच्चा जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसको बाबा मोहनराम परमपिता परमात्मा झीरिया महाराज बहुत लंबी आयु दे। अभी आपने सुना कर्ण बलि कहता है अपने मित्र दुर्योधन से कि जो 15 दिन में नहीं बनया वो काम तुम्हारा कल बन जा और तेरे मन के चाहे कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन। सही सारथी सल मानू दुर्योधन मेरे ख्याल से मैं, और तेरी लाग में कूदूंगा दुर्योधन जान माल से मैं। एक तो क्या 10-20 लाख पीरों के ना डरू भाल से मैं, और तू 3 दिनों की क्या कह रहा 6 दिन तक लड़ू काल से मैं। जग में जीत तेरी कर दू, अरे जग में जीत तेरी कर दू, चाहे मेरा रोम रोम घायल बन जा तेरे मन के चाहे कर दूंगा जो मेरा सारथी सल बन जा। राजा सल साथियों पांडवों के मामा थे, उसके लिए यह कहा था कर्ण बलि ने कि मैं अगर जो किसी को चतुर और चपल सारथी मानता हूं तो वो राजा सल को मानता हूं। दूसरी कली में साथियों क्या कहता है, कर्ण बलि के पास बैठ के कर दुर्योधन पद भारी ना, दुर्योधन पद भारी ना। अरे जो होनी थी सो होली, आगे हो हार हमारी ना। दादा भीषम द्रोण मरे पर मर्या कर्ण बल भारी ना, मर्या कर्ण बल भारी ना। कल 4 बजे ते पहले पहले तेरा सारा तार उतार दूँ, सारा तार उतार दूँ। वो उन पर दो संयुक्त तेरी कर इच्छा के अनुसार दूँ। कहे जीव ते ल्याऊ पकड़ के कहे जान ते मार दूँ, कहे जान ते मार दूँ। Oh,
अगर ये तू आदेश करेगा कि जीवित पकड़ के लाना है तो उनको जीवित ले आऊंगा, और ये कहोगे कि उनको इस संसार से नेस्त नाबूद करना है तो इतनी भी शक्ति है तेरा मित्र कर्म रखता है। सजना, लाश कली के द्वारा बताया गया कि इस दुनिया में आदमी आता है लेकिन आने के बाद में जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार गति मिलती है। अगर जो आपने कीकर का पेट बोया है तो आम खाने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, बबूल आपने लगाई है तो आपको अमरूद नहीं मिल सकते। सजना, अंतिम कली के द्वारा कैसे क्या लिखा है लेखक ने, क्या ईश्वर का कुछ दोष नहीं, दुख सुख कर्मों से सहते हैं, दुख सुख कर्मों से सहते हैं, कुछ डूब गए कुछ गिरते हैं, कुछ बीच धार में बहते हैं। लड्डन सिंह राजबल दोनों ये बात आखरी कहते हैं। श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि तोड़ की राग नहीं चल रही है। यह कहता है कर्णवली के महारानी इतनी गहरी बन जा कि जितना समुद्र हुआ करता है। एक बार का कोई समुद्र की गहराई को तो माप ले, लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए महारानी, इतनी गहरी बन जा। अगर जब तूने बता दिया तो क्या हो जाएगा, तू फिर पाछे पछतावेगी, जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे, राज
राजपाट और कहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे तो पता नहीं कितना बड़ा सर्वनाश हो जाएगा महारानी। तू फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। अरे सुनने वाला नहीं मिलेगा इस जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण से पड़ जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे। अपने आगे अपने हाथों कर लेगी खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। ए लोगों, महारानी कुंती के सामने अपनी सारी बातों को किस तरह कहता है नंबर दो के अंदर बताएंगे भाई बिशन सिंह इंदौर। इसी सुर से इसी रागनी को आपके बीच में इससे अगली कली अपने अंदाज में रंगकाट अंदाज में आपके बीच में रखेंगे। किस तरह से पहले खुल जा भेद अगर यो पहले खुल जा भेद अगर यो जान रचाने ना देता जो तेरे साल पणों में काटे कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की लाज बहू मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हाथ लगाने ना देता यरी इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई करे सहमत किए करण तुम्हारा भाई हो जान रचाने ना देता जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता वो चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता और इतनी कह के करण बलि की फिर भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। हे महारानी अगर जो ये राज मुझे तुमने पहले बता दिया होता तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या थी। अगर जो वो स्वयं देवताओं को राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस करण बलि के होते हुए संभव नहीं था। लेकिन तूने बहुत देर कर दी। अब तू ये हवाला लेकर के मेरे पास में आई है कि मैं तेरी मां लगती हूं। मेरे भाई 12-13 साल बड़ों में धक्के खा करके आज अपनी मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो तूने उन्हें जाके बता दिया
तो क्या हो जाएगा मेरी बात को सुनने। और हमारे दादाजी पतराम सिंह छावड़ी जी इंदौर से, जो भाई बिशन जी के पिताजी भी हैं, वो भी यहां पहुंचे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरे नंबर पर साथियों जो कहता है सुनने लायक रागनी है, मैं शोरगुल ना करें, मेरा निवेदन है। चलिए सब डुल्हे डुलाए रह जाएंगे, जो हृदय भीतर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। पलवानों के पान तुले तुलाए रह जाएंगे, तेरी बहू के केस जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। भेद बात का खुल जागा तो, भेद बात का खुल जागा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के पर टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के कन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार कुछ मरे कष्ट घूट जाएंगे, इसके घूट घूटे जाएंगे। जो पूरा पड़े करण की खातरी, पूरा करे करण की खातरी, काठे मास लगाई धर्मियों की करे से बतिये सिंह इंदौर के द्वारा और दो कली नीरज भाटी के द्वारा आपने सुनी है। इस रागनी के अंदर पांच कली हैं। अगर जो आपकी इजाजत हो तो इस पांचवी कली को दोनों कलाकार मिलकर के सुना दीजिए, तो एक बार जोरदार तालियों से बता दे, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। आइए ये अंतिम कली आपके बीच में किस तरह से झूठ बैठ जाता, इज्जत और आबरू धन की सहके लूट बैठ जाता। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ